मित्रों को छत का पक्का कैसे करें, बोले तो घर का पक्का कैसे करें भाई। बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आपने अभी कबूतर लेके आया है लेकिन उसे आपको डर लगता है कि भाई जाल से बाहर कैसे निकाले कबूतर को। जिस तरह से भाई मेरे सारे कबूतर अभी आजाद हैं, आपको भी दिल करता हो कि मेरे कबूतर भी इस तरह से छत पे रहे और वो कहीं उड़ के भागे नहीं। तो मैं आज आसान सा टिप्स आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, करना क्या है सिद्ध बता देता हूं मैं। कबूतर के लॉफ्ट के अंदर, ये देखो लॉफ्ट है, मुझे इसके अंदर नए कबूतरों को दाना कभी नहीं देना, भूल से भी ऐसी गलती आप मत करना। और जब भी भाई हम नए कबूतर लेकर आते हैं ना, तो भाई कोशिश करना कि नए कबूतरों का पर बांध दे, और पंख बांधने के बाद जो भी कबूतर आप लेकर आए उसे आप छत पे खोले और कबूतर को ज़्यादा परेशान ना करें। क्योंकि भाई कबूतर अगर आपका गलती से भी बाउंड्री को बैठ जाता, देखो भाई इस तरह से कबूतर आपके उस तरह से बैठ जाता है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है भाई, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा। तो भाई करना क्या है कि आपको किसी एक टाइम में मतलब दाना डालना है, आपको शाम के समय डालना दाना डालने हैं, और नए कबूतर को ना भाइयों सिर्फ एक ही टाइम देना दाना देना, वो भी छत के बाहर खोल के देना भाइयों। इससे ये होगा कि जो आपके कबूतर है भाई, वो कबूतर भाई धीरे धीरे ना अपने छत को पहचानेगा, और जब वो लॉफ्ट से बाहर आएगा ना तो उसे सिर्फ भूख लगा रहेगा। तो जैसे वो भाई भूख लगा रहेगा तो दाना खोजेगा, भाई दाना कहाँ पे डाला हुआ है, तो दाना खाने में बिजी रहेगा और अपने धीरे धीरे उधर उधर भी मतलब कि अपने छत को ही पहचानने की कोशिश करेगा। और इससे ये लगा कि दोस्तों कबूतर जो शाम के समय है दोस्तों, उसके पास मतलब कि कबूतर के पास भाई अपने पहचान करने के ना बहुत तरीका होता है भाई। कबूतर जो होते हैं ना भाई, शाम के समय वो उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, उड़ेगा भी तो आपका कबूतर एक से दो राउंड में आ जाएगा। लेकिन कबूतर का आपने पर बांध देना भाई, ताकि कबूतर आपका गलती से भी उड़े ना। और उसके बाद करना क्या दोस्तों, पर डे इस तरह से रूटीन बना लेना है, कम से कम 10 दिन के लिए कबूतर को इसी रूटीन से आपको दाना पानी देना है, आपको कबूतर खोलना पर डे, ठीक है। कबूतर खोलने के बाद दोस्तों इसी तरह से शाम के समय अपने छत पे दाना डाल देना है, ताकि कबूतर दाना खाने में व्यस्त रहे, कबूतर का मन इधर उधर ना जाए, और धीरे धीरे देखना भाई अपने नए छत को पहचान जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि भाई एक ही बार में सारे कबूतर का पर खोल देना, धीरे धीरे एक दो को खोलते जाना, और जिससे कबूतर अपने आप ही देखना दोस्तों इस तरह से ऊपर और फिर नीचे आएगा, तो जिससे ये होगा कि भाई कबूतर अपने नए जगह को पहचान लेगा। और देखना कबूतर 15 से 20 दिन के अंदर देखना पूरी तरह से आपके सेट पे सेट हो जाएगा, तो आप कबूतर का पर खोल देना। अगर कबूतर आपके गलती से उड़ गए तो भाई देखना एक से दो रन मारेगा, ऑटोमेटिक आके बैठ जाएगा। अब ये नहीं कि भाई दोस्तों वो उड़ने लगा तो आप उसे पर डे उड़ाओ, अब ऐसा करोगे तो भाई कबूतर आपके हाथ से निकल जाएगा, किसी और अगर दूसरे कबूतरबाज के पास आपका कबूतर चला जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कबूतर अगर ऊपर नीचे करता है, कबूतर अपने आप ही मतलब फटफट करता है भाई, तो कबूतर को करने देना, ताकि वो नए जगह को पहचान ले। तो मैंने भी इसी तरह से अपने जितने भी भाई कबूतर लेकर आता हूँ ना, वो मेरे कभी छत छोड़ के भागा नहीं है, मैं झूठ का ही बोलूँ। और भाई मेरे पास एक और है कि मेरे अगल बगल में कोई बाजू बाजू में ना कोई कबूतरबाज है ही नहीं, तो मुझे इतना दिक्कत होता नहीं है, और आप लोग को भी होने नहीं दूंगा। क्योंकि भाई बहुत सारे भाई शौक से कबूतर भी जब भी हम लेके आते हैं भाई, तो 2 से 3 जोड़े से ज़्यादा हम नहीं ला पाते हैं, तो भाई उसे टिकाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह देखो भाई, इस तरह से चला गया वो कबूतर अपने लॉफ्ट के ऊपर, फिर वो चलाएगा नीचे, तो भाई ये कबूतर का लक्षण होता है कि ऊपर नीचे करेगा, तभी जाके वो नए छत को पहचानेगा। और भाई अपना दाना पानी जो भी है अपने शाम के समय छत पे खोल के दें, और उसके बाद खुद गेट खोल दें, और देखना गेट खोलने के बाद कबूतर एक के बाद एक अपने आप ही लॉफ्ट में चला जाएगा, ये देखें। और कबूतर का कोशिश करना कि जब भी आप नए कबूतर लेकर आओ तो उसका जोड़ा जल्दी सेट कर देना, अगर जोड़ा लग जाएगा ना भाई तो ऐसा होता है कि नर का पर खोल भी दोगे ना, अगर मादी का बांधे रहोगे तो नर वो भागेगा नहीं, वो मादी के पीछे ही गुटकता रहेगा। जैसे वहाँ देख लो भाई, वो नर कबूतर है वो मादी को देख लिया दूसरे का, वो वहीं गुटक रहा है। तो इसी तरह से मैंने भी अपने सारे कबूतर हिलाए थे भाई, और इसका अपने आप ही उड़ने के है भाई, अपने आप ही आता था। आपको लगेगा कि भाई मेरे कबूतर मेरे हाथ से निकल रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़बरदस्ती उसे उड़ाना नहीं है भाई नए में। आप उसे जितना समय दोगे ना कबूतर को सेट होने का भाई, उतना टाइम वो सेट होने के बाद अपने आप ही उड़ेगा, तो आपको फिर मज़ा आएगा। मैंने भी अपने जितने भी कबूतर भाई हो उसी तरह से हिलाए थे, देखो, और आप भी उसी तरह से हिलाना जिस तरह से मैंने हिलाया। देखो भाई मेरे छत पे बाउंड्री भी नहीं है, आप सोच लो कि भाई मैंने किस तरह से, मैंने जो भी कबूतर आपको नजर आ रहे हैं ना भाई, इसमें से मैंने किसी का पर नहीं बांधे थे ना, मैंने किसी के पर काटे थे। और लेके आना भाई, जब कबूतर लेके आना तो भाई एक बात और करना कि कम से कम शुरू के ना 4 से 5 दिन कबूतर को जाल